नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, तमिलनाडु के मेट्टुपलम बाजार में लहसुन की आपूर्ति में वृद्धि होने लगी है। और दोस्तों, नीलगिरी जिले में जो मौसम की वहां पर शुरुआत हुई है और मेट्टुपलम बाजार में लहसुन की आपूर्ति भी अभी वर्तमान में बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, कोयम्बटूर जिले के मेट्टुपलम एलएसपुरम क्षेत्र में 4 से अधिक लहसुन आयोग की मंडियां हैं और संबंधित लहसुन के रिटेल आउटलेट भी वहां पर हैं। और इन मंडियों में रविवार के दिन ही नीलामी की जाती है। तो नीलगिरी ज़िले में लहसुन का जो मौसम अभी शुरू हो चुका है और पिछले सप्ताह जो रविवार को बाज़ार खुला था दोस्तों, तो 40 किलोग्राम लहसुन के 8,000 घाट बेचे गए थे। तो लहसुन वहाँ पर जो आता है दोस्तों, कट्टे के अंदर आता है और उधर कट्टों को जो घाट बोलते हैं, तो लगभग 8,000 कट्टे पिछले रविवार को आवक देखने को मिली थी। लहसुन 50 रुपये से 250 रुपये प्रति किलोग्राम तक वहाँ पर पिछले रविवार को बिका था। इसके साथ ही दोस्तों, ये जो रविवार गया है, इस रविवार को भी वहाँ पर बाज़ार चला था लहसुन का। और हर संडे को बाज़ार मेट्टुपलम में चलता है दोस्तों, लहसुन की बिक्री वहाँ पर होती है। तो इस संडे को लहसुन की आपूर्ति पिछले सप्ताह की तुलना में अधिक हुई थी। और कोडाईकनाल, ऊटी, कुंडलपेट, उदयपालम और तलावाड़ी के 400 से अधिक जो किसान थे, उन्होंने लहसुन को बिक्री के लिए मंडी में लेकर के पहुँचे थे। मंडी में और बोली में हुई नीलामी में 200 से अधिक व्यापारी थे, उन्होंने भाग लिया था। और नीलामी में पाउडर लहसुन और बीज लहसुन की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 2,040 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुकी थी दोस्तों। तो ये थी कोयम्बटूर के पूरी रिपोर्ट, जहां पर लहसुन की नीलामी प्रति रविवार को होती है दोस्तों, रविवार को होती हैं। तो वहाँ पर जो लहसुन है, काफ़ी किसान वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लहसुन की उत्पादन किया जाता है तमिलनाडु के अंतर्गत। और मेट्टुपलम एलएस जो पुरम क्षेत्र हैं, वहाँ से 4 से अधिक जो लहसुन आयोग की मंडियाँ हैं, उनमें वहाँ पर नीलामी होती हैं। और जो सभी व्यापारी होते हैं, वो संडे के दिन भाग लेते हैं। तो लगभग इस रविवार को 200 से ज़्यादा व्यापारियों ने हिस्सा लिया था लहसुन में। और ऊपर में लहसुन 2,040 रुपये प्रति किलोग्राम बिका था, यानी कि 20,400 रुपये प्रति क्विंटल लहसुन वहाँ पर बिका था दोस्तों। यह लहसुन एक बीज वाले का लहसुन था, मोटी साइज का था और बढ़िया था। पहाड़ी क्षेत्र का जो लहसुन होता है, उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। और जो तमिलनाडु है दोस्तों, तो वहाँ पर भी खेती अब ऊटी के लहसुन की और अन्य जो लहसुन की जितनी भी क्वालिटियाँ हैं, अभी खेती वहाँ पर प्रारंभ होगी। तो वहाँ पर जो लहसुन की बुआई तमिलनाडु में की जाती है दोस्तों, वह अप्रैल से मई महीने में की जाती है। तो जब वो लहसुन की अभी बुआई वहाँ पर स्टार्ट होगी, तो उसके लिए वहाँ के जो किसान लहसुन लगाना चाहते हैं, वो बीज खरीद रहे हैं और उन्होंने उच्च दामों पर बीज खरीदा है। तो 2,040 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 20,400 रुपये प्रति क्विंटल लहसुन का बीज वहाँ पर इस संडे को बिका था दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फुल साइज का माल था, बहुत ही और अच्छी क्वालिटी का माल था। तो दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर अभी जो वहाँ पर खेती की जाएगी, तो अभी अप्रैल और मई में बुआई की जाती है। और यह लहसुन जो अप्रैल और मई में बुआई की जाती है, वह लहसुन सितंबर महीने में, अगस्त सितंबर में अपने क्षेत्र के किसान लोग खरीद करके लेकर आते हैं और इधर ऊँटी लहसुन की बुआई करते हैं। तो वह तमिलनाडु के ज़्यादा वहीं से आता है। और जो मेट्टुपलम मंडी है, वहीं से भी लहसुन अपने क्षेत्र में काफ़ी आता है और यहाँ के किसान वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं खरीद के लिए। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो खेती होती है लहसुन की, वो 2 शिफ्ट में होती है। सितंबर अक्टूबर में भी वहाँ पर किसान लहसुन
जब अपन इधर क्षेत्र के किसान भी लगाते हैं ऊँटी माल ला करके, उस समय पर भी वहाँ के किसान पहाड़ी क्षेत्र में छोटे छोटे उनके खेत होते हैं उनमें लगाते हैं, तो उनके बहुत ही छोटे छोटे पहाड़ी ढलान क्षेत्र में खेत होते हैं उन पर खेती उनके द्वारा लहसुन में की जाती है। और नीलगिरी का लहसुन काफ़ी फेमस है, पूरे इंडिया में नीलगिरी का लहसुन अच्छे दामों पर बिकता है, उच्च क्वालिटी का लहसुन है, गुणवत्ता वाला लहसुन है। और इनका दोस्तों जो तमिलनाडु का लहसुन है उसका पेस्ट भी बनाया जाता है और वह पेस्ट अधिकतम कीमत पे बिकता है। तो दोस्तों कोयम्बटूर जो ज़िला है वहाँ पर पूरे ही क्षेत्र का जो आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों के किसान वहाँ पर जो एलएसपुरम क्षेत्र हैं उसमें 4 से अधिक मंडियाँ लगती हैं, और उन मंडियों में संडे के दिन लहसुन का एक ही दिन विक्रय होता है और उसी दिन सभी व्यापारी पहुंचते हैं, तो कंपटीशन से अच्छे माल की बिक्री होती है और वहाँ पर भी आवक अच्छी तमिलनाडु की लहसुन की होने लगी है। तो तमिलनाडु के किसान भी अच्छी तरह से लहसुन की खेती करने लगे हैं और बहुत ही बढ़िया खेती कर रहे हैं लहसुन की, और उनको उसके दाम भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। उनके क्षेत्र का लहसुन अच्छी क्वालिटी का होता है, गुणवत्ता वाला होता है, जिसके कारण उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और अन्य क्षेत्रों में बुआई के लिए भी जाता है। तो दोस्तों तमिलनाडु का लहसुन शिमला क्षेत्र में भी बीज के लिए जाता है और इंडिया के अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचता है, जिसके कारण वहाँ पर दाम अच्छे मिलते हैं और बहुत ही अच्छी भिजवारे का जो लहसुन है दोस्तों वो ये जो संडे अभी निकला है इससे पहले वाले संडे को 2,500 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोग्राम बिका था, यानी कि 25,000 रुपये क्विंटल तक बिका था दोस्तों। तो ये लहसुन की तमिलनाडु की पूरी रिपोर्ट थी दोस्तों, और तमिलनाडु के आसपास के जो क्षेत्र हैं कोडाई कनाल काफ़ी फेमस है, ऊटी ऊटी की लहसुन भी अच्छी फेमस है, ऊटी के जो पहाड़ हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके ढलान क्षेत्र में किसानों द्वारा खेती की जाती है और उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, 1 आरी का 2 आरी का 3 आरी का ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उन किसानों द्वारा लहसुन बुआई की जाती है और उत्पादन अच्छी गुणवत्ता वाला किया जाता है। तो उसके साथ ही कुंडलपेट उदर पालम और तलावाड़ी इन सभी क्षेत्रों में 400 से अधिक किसान हैं जो लहसुन की बुआई करते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी तमिलनाडु के लहसुन की रिपोर्ट, और तमिलनाडु में लहसुन के जो भाव हैं ए क्वालिटी, ए डबल ए क्वालिटी, ट्रिपल ए और 4A, इस प्रकार से क्वालिटी बना करके विक्रय होता है मंडियों में। तो दोस्तों वहाँ पर जो अभी ट्रिपल ए माल है वह लहसुन 8,000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, तो 4A जो माल है जिसमें ए क्वालिटी इस प्रकार से 4 तरह से ए लगे हुए थे हैं, उस प्रकार की जो क्वालिटी प्लास्टिक के बैग जो अपने कट्टे होते हैं उनके अंदर नीली जाली के अंदर भरा जाता है, और उनके अंदर भर करके जो माल विक्रय हो रहा है वो 12 से 14 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है दोस्तों। और उच्चतम बिजवारे का माल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है तो वो बहुत अच्छा वहाँ पर बिक रहा है। तो दोस्तों ये थी तमिलनाडु की पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।